नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश चाटी और सिलसिला बाजारों का में आज चर्चा करेंगे कमोडिटी बाजार के अपडेट की। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर से। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डॉलर है, डॉलर में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। डॉलर के साथ साथ आपको बता दें कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड हैं, जो यूएस के शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड हैं, उनमें तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं कि जो सोना है $1800 के नीचे लुढ़का है। सोना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर $1797 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं सिल्वर आधे फीसदी की तेजी दिखा तो रही है, लेकिन जो लेवल है पहले से कम है, $22.7 पर सिल्वर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं में आज एक नरमी के साथ ट्रेड होता नजर आ रहा है। कीमतें भले ही हरे निशान पर शो हो रही हो, लेकिन जो प्राइस है, जो लेवल है, वो कल के मुकाबले आज कम ही देखने को मिल रहा है। जो बॉन्ड है, अमेरिकी बॉन्ड है, जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, आज डॉलर में बढ़त बनती नजर आई है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। सोना अपने लेवल से कहीं ना कहीं फिसलता नजर आया है। तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन सोने में क्या रणनीति पर आगे चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सी वी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर आज कल के मुकाबले थोड़े निचले लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हरे निशान जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन गोल्ड $1800 के नीचे लुढ़क चुका है, वहीं चांदी पे $23 के नीचे है। आपको क्या लग रहा है, क्या आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन सोने चांदी की कीमतों में बिकवाली देखने को मिल सकती है? देखिए, फिलहाल सोने और चांदी के कीमतों में जो बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, वो फेड के बयान से हम लगातार दबाव देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, 47,800 के आसपास एक बेहद सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक बन सकता है। लेकिन वहीं आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है और $1800 के नीचे सोना एक बार लुढ़क भी चुका है, तो $1780 एक बार डाउन साइड में अगर वहां पर सपोर्ट ले लेता है मार्केट, तो अगेन बाइंग में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी अभी हम मानकर चल रहे हैं कि $1780 तक एक बार नीचे मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि 47,800 मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकता है, 47,600 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर एक बार बाइंग भी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है, तो सेलिंग की रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगी, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। मार्केट अगर नीचे आते हैं तो वहां पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन भी बढ़त का दौर लगातार जारी है। WTI $87 पर पहुंच चुका है और ब्रेंट क्रूड ऑयल धीरे धीरे $88 के भी पार निकल चुका है। दोनों में ही बढ़त देखने को मिल रही है। रूपा जी, आपको क्या लग रहा है, जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जारी रहती है, और क्या तब तक कच्चे तेल में ऐसी बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी? और अगर एक बार ये पॉलिटिकल टेंशंस खत्म हो जाती हैं, तो क्या उसके बाद कच्चे तेल में नरमी रहेगी, या फिर जो डिमांड है वो अच्छी खासी बनी हुई है, जिसकी वजह से आगे भी कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, अभी जो है डिमांड भी निकल रही है और दूसरा सप्लाई भी डिस्टर्ब्ड है, और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। और देखिए, फर्दर अगर हम देखें तो ऑनगोइंग डिमांड जो है वो बढ़ने ही वाली है। अभी तो देखिए फिर भी आवाजाही कम है, लेकिन आगे चलकर डिमांड जो है वो निकलने वाली है, और उसके चलते हो सकता है अभी जो मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर सप्लाई को लेकर अभी इश्यूज चल रहे हैं वो थोड़ा रिसोल्व होते हुए नजर आएंगे, और उसका इम्पैक्ट के चलते थोड़ा बहुत करेक्शन बन सकती है। लेकिन अभी के लिए बाजार पॉजिटिव है, और अभी हम यहाँ से देख रहे हैं ब्रेंट जो है वो $90 तक एक बार फिर से टच होता हुआ दिखाई दे सकता है, और क्रूड भी $88 से लेकर $89 और मैक्सिमम $90 की तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी क्रूड में भी लेकर चल सकते हैं। नीचे में 6520 के आसपास मिले तो वहां पर भी बाइंग बनाया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस 6500 का फॉलो करके इसमें बाइंग पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर अब बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार देखना आज हल्के दबाव के साथ खुलता नजर आया है। आपको क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स में यहाँ से फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है?
देखिए बेस मेटल्स के अंदर बिल्कुल बाइंग है अखिलेश, और अभी भी देखिए निकल भी वापस से 1700 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है, और अभी थोड़ा सा आज जरूर हल्का निशान देखने को मिल रहा है सभी बेस मेटल में, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। जिंक देखिए हमने 300 का टारगेट दिया था और वो आज अचीव हो चुका है, जिंक 300 पर ट्रेड करता हुआ हम आज देख चुके हैं, इनफैक्ट कल ही वो लेवल्स देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी बेस मेटल में काफी पोटेंशियल है और इसमें तेजी बन सकती है। एल्यूमिनियम भी अभी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे सकता है, 252 से लेकर 260 तक एल्यूमिनियम के भी टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एज यूजुअल कॉपर रेंज बाउंड है, 720 से 760 की रेंज में है, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो आपको कॉपर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल निकल के लिए 1750 से 1800 का टारगेट भी संभव है कि मार्केट में देखने को मिल जाए, तो मेरे हिसाब से बेस मेटल में बाइंग में ही रहना चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक के देना चाहेंगे आज आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, जिनमें आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर। की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए जो कमोडिटीज पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं वो बेस मेटल्स हैं और क्रूड है, इनके अंदर बाई में रहा जा सकता है और इसी के अंदर अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन्हीं कमोडिटीज के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी तो यानी कि बेस मेटल्स रहेंगे रूपा जी की तरफ से आज टॉपिक में, और दूसरा रहेगा क्रूड ऑयल, इनमें निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है, आगे अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।